आपको जानना चाहिए कि पूर्वांचल का सियासी समीकरण आखिर क्या है। देखिए, पूर्वांचल में 156 विधानसभा की सीटें आती हैं और 60 सीटों पर जाति और धर्म का काफी ज्यादा असर भी बताया जाता है। इसके साथ ही सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला काफी प्रभावी है यहाँ पर। इसके साथ सबसे अधिक आबादी दलितों की ही है। इसके बाद पिछड़े जातियों के वोटों की संख्या है। मुस्लिम वोटरों की भूमिका भी काफी अहम यहाँ पर हो जाती है। इसके साथ ही दलित वोटरों की संख्या 20% से ज्यादा है। मुस्लिम वोटरों की संख्या की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। निषाद वोटरों की संख्या 4% है। इसके साथ ही देखिए, राजभर वोटर्स की बात करें तो 4% संख्या है। सोनकर वोटरों की संख्या 2% है। कुर्मी वोटरों की संख्या 5% है। कुमार वोटरों की संख्या है 3% और मौर्य वोटरों की संख्या है 4%। ये हमने आपको बताया। 2017 की अगर बात कर लें तो पूर्वांचल में किसकी कितनी सीटें रही ये भी जानिए। पूर्वांचल में कुल 26 जिले शामिल हैं और साथ ही 26 जिलों में 156 विधानसभा की सीटें आती। बीजेपी ने 106 सीटों पर कब्जा किया और समाजवादी पार्टी को 18 सीट मिली। बीएसपी की अगर बात करें तो 12 सीट जीतने में बीएसपी कामयाब रही और अपना दल ने 8 सीट पर जीत हासिल की। सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के 4 सीट मिली, वहीं पर कांग्रेस को भी 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहां पर जीत दर्ज की थी। ये हमने आपको पूरा सियासी समीकरण भी बताया, साथ ही बताया कि 2017 के क्या नतीजे रहे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही देश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में एक नया तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही यूपी विकास यात्रा के एक नए सफर पर निकल चुके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, पूर्वी भारत की तरक्की का नया रास्ता तैयार। एक्सप्रेसवे से विकास को नया आयाम, विकास कार्यों और उद्योग धंधों को लगेंगे पंख। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही यूपी ने विकास की नई इबारत लिख दी। ये एक्सप्रेसवे न केवल यूपी की तरक्की को रफ्तार देगा बल्कि पूर्वी भारत की तरक्की का नया रास्ता भी खोलेगा। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए तरक्की की राह खोलेगा। एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले जिलों में कारोबारी गतिविधियों को नया विस्तार मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की योजना है। इससे करीब 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के आसपास खाद्य उत्पाद एवं प्रोसेसिंग, वेबरेज, रिफाइन, पेट्रोलियम उत्पाद, केमिकल उत्पाद, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट से संबंधित इंडस्ट्री लगाई जाने की योजना है। यह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। इस सब के अलावा एक्सप्रेसवे के नजदीक नए शैक्षिक संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान, नए टाउनशिप और अन्य विभिन्न वाणिज्यिक भवन बनाए जाएंगे जो रोजगार पैदा करेंगे। मौजूदा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक विशाल औद्योगिक गलियारा बन जाएगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी सीमा से जोड़ देगा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का समग्र विकास होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले ज्यादातर जिले कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर में पहली प्राथमिकता फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर है। सरकार का दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि क्षेत्रीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराएगा। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सुगम यात्रा का माध्यम बनने के साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी तैयार होगी। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दुर्घटनाओं में कमी के साथ ही प्रदूषण स्तर, ईंधन की बचत, समय का बचाव जैसे कई तरीकों से लाभदायक होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। कम समय में सीएम योगी ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को जमीन पर लाकर यूपी को विकास के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।